मारूफ फिल्म डायरेक्टर और राइटर सैयद नूर की दूसरी शादी के रोग को दिल पर लिए इनकी वफाशुआर बीवी, कॉलम निगार और लिखारी रुखसाना नूर मनो मिट्टी तले चली गईं। लेकिन सैयद नूर आज भी दावा करते हैं कि रुखसाना और इनके बच्चों ने इनकी फिल्म स्टार साइमा से दूसरी शादी को दिल से तस्लीम कर लिया था और मरने से कबल रुखसाना नूर का साइमा से एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता कायम हो चुका था। सैयद नूर का दावा अपनी जगह, लेकिन सच तो ये है कि इनकी फिल्म स्टार साइमा से शादी के बाद एक खामोशी और उदासी आखिरी सांसों तक रुखसाना नूर के चेहरे पर तारी रही और वो इसी कर्म में जहान फ़ानी से कूच कर गई। कहने वाले तो कहते हैं कि सैयद नूर से शादी के बाद साइमा सैयद नूर की बीवी तो बन गई, लेकिन ना तो वो नूर फैमिली का हिस्सा बन सकें और ना ही वो बुलंद मुकाम हासिल कर सकें जो सैयद नूर के 4 बच्चों की माँ रुखसाना नूर ने अपनी बेलोस मोहब्बत और वफा से हासिल किया था। दूसरी तरफ सैयद नूर के मुताबिक रुखसाना नूर के साइमा के साथ इनकी शादी को दिल पर लेने की बातों में कोई सदाकत नहीं। कहते हैं कि रुखसाना और साइमा का आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक था। रुखसाना की घर आमद पर साइमा हमेशा उनकी बहुत खातिर मदारत करती थी। वो कहती हैं कि रुखसाना नूर अगर इनसे नाला होती तो वो क्यों आखिर दम तक इनके घर में रहती। दूसरी तरफ बताने वाले बताते हैं कि रुखसाना नूर लाहौर में अपने बेटे के साथ अकेली रहती थी, जबकि सैयद नूर अपनी दूसरी बेगम साइमा के साथ ज़्यादा अरसा कराची में ही क़याम करते थे। सैयद नूर तस्लीम करते हैं कि इनके बच्चों ने शुरू में साइमा को बतौर मां कबूल नहीं किया, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। उनका यह भी कहना है कि अगर इनकी बीवियों ने इन्हें तंग रखा होता तो वो कभी इतने पुरसकून नजर ना आते। अपने एक हालिया इंटरव्यू में फिल्म स्टार अंजुमन की साइमा से शिकायत पारे सैयद नूर ने वाजे किया कि ऐसा कतन नहीं। अंजुमन और साइमा आज भी एक दूसरे से मिलती हैं और दोनों का अच्छा ताल्लुक आज भी कायम है। ये दरअसल लोगों की फैलाई हुई बातें हैं कि साइमा का फ़लाँ से भी मसला था, फ़लाँ से भी। हमेशा साइमा को फिल्म के मर्कज़ी किरदार के तौर पर कास्ट करने के हवाले से एक सवाल के जवाब में सैयद नूर ने वजाहत पेश की कि मैंने बहुत सारी हीरोइंस को मुतारिफ़ करवाया, इन्हें फिल्मों में मर्कज़ी किरदार भी दिए, जिसको जो रोल सूट करता था उसी को कास्ट करता था। अब अगर साइमा को भी किसी किरदार के लिए साइन करता हूँ तो वह किरदार होता ही इसी के लिए है। मैंने कभी अंजुमन या किसी दूसरी हीरोइन को नज़रअंदाज करके साइमा को किरदार नहीं दिया था। सैयद नूर कहते हैं कि मैंने उस दौर की सब हीरोइंस के साथ काम किया। रेशम और रीमा बेहतरीन अदाकाराएँ थीं, इसी तरह बाकी भी अच्छा काम कर रही हैं, इसलिए मैं ऐसे इल्ज़ामात और तनकीद को संजीदा नहीं लेता। साइमा की तारीफ़ों के पुल बांधते हुए सैयद नूर ने कहा कि साइमा का इंडस्ट्री में कभी किसी के साथ कोई मसला नहीं रहा। वो बहुत ही सादा और आजिज़ खातून है। यही वजह है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में हर कोई इनकी इज्जत करता है। उन्होंने कहा कि साइमा इंटरव्यूज़ नहीं देती, ये इनका अपना मिजाज है, ये खासी कमगो हैं, लेकिन कैमरे के सामने साइमा कमाल की अदाकारी करती हैं। सैयद नूर ने पाकिस्तानी सिनेमा की ज़बूहारी पर बात करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी के फुकदान, महदूद बजट, गैर तजुर्बाकारी हुकूमती अदम ताउन और कहानियों में यकसानियत की वजह से पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री तबाह हुई, ताहम इंडस्ट्री अब एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। उनका कहना था कि फ़िल्म बनाना प्राइवेट सेक्टर का काम है, फ़िल्म बनाने के लिए बहुत सा पैसा चाहिए होता है। एक वक्त था कि जब साल में 110 के करीब फिल्में बनती थी और अब भी अगर कोई रिस्क ले और पैसा लगाए तो फिल्मों की तादाद ज़्यादा हो सकती है। पाकिस्तान में फ़िल्म मेकर्स को दरपेश मुश्किलात बारे सैयद नूर ने कहा कि यहाँ फ़िल्म मेकर्स को सबसे बड़ी मुश्किल फाइनेंस की होती है। आज हमारी फ़िल्म 5 से 7 करोड़ रुपये में बनती है, जबकि हिंदुस्तान में एक फ़िल्म पर 150-200 करोड़ रुपया लगता है। दूसरा बड़ा मसला यह है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी और आलात नहीं जो दुनिया के पास हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही फिल्म बनाते हैं। सैयद नूर ने मुतालबा किया कि हुकूमत फ़िल्म इंडस्ट्री की सरपरस्ती करे। हर दौर में हर गवर्नमेंट के पास आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर्स जाते रहे, लेकिन हर गवर्नमेंट ने सिर्फ लॉलीपॉप दिया। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।